हड्डियों की मजबूती के लिए योग। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। हमारा पूरा शरीर हड्डियों के ढांचे पर ही खड़ा है, क्योंकि हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, यहाँ तक कि सभी काम हमें इन्हीं की सहायता से करते हैं। तो इसलिए हमें हड्डियों की मजबूती पर तो ध्यान देना होगा, और अगर हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो आर्थराइटिस, आप जानते हैं, इस समय भारत में चौथी सबसे बड़ी बीमारी के रूप में, रोग के रूप में आ जाएगा। अभी भी बहुत मरीज हैं, क्योंकि हर साल 14% तो बढ़ ही रहे हैं इसके मरीज। पहले जहाँ ये समस्या बुजुर्गों को होती थी, अभी युवा इसकी चपेट में आ रहे हैं। बहुत से लोग, ये युवा लोग आप सुनेंगे, उनके घुटने में दर्द है, उनको सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है। देखिए, हड्डियाँ अगर कमज़ोर होंगी तो शरीर में कहीं भी दर्द आएगा, और इसका जो सबसे बड़ा कारण है, आज महिलाओं में 90% महिलाओं में विटामिन डी की कमी है, जिसकी कि हमारे भारतवर्ष में बहुत आयत है। विटामिन डी सूर्य आपको हमेशा मिलता है, कुछ ही दिन बारिश के छोड़ दिए जाए तो हमेशा सूर्य का प्रकाश मिलता है, और विटामिन डी सुबह या शाम को उसके सामने थोड़ी देर बैठने से भी मिल सकता है। लेकिन आज 90% तो महिलाओं में विटामिन डी की कमी है, और आर्थराइटिस से जहाँ 40% पुरुष परेशान है, 47% महिलाएं हैं, यानी इसमें भी महिलाओं का प्रतिशत ज़्यादा है। तो हड्डियों की मजबूती के लिए तो हमें योग को अपनाना चाहिए, योग के साथ साथ आहार भी है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि इसका कारण क्या है। इसका एक कारण है, एक जगह पर लंबे समय तक बैठे रहना। बैठे रहने से रक्त का संचार धीमा हो जाता है, और धीरे धीरे रक्त के जरिए ही हमारे शरीर के सभी अंग न्यूट्रिशन लेते हैं। अगर वो धीमा होगा तो न्यूट्रिशन कम पहुँचेगा। तो एक तो कारण यही है। दूसरा है स्मोकिंग, जो आज युवा पीढ़ी में स्मोकिंग का चलन बहुत अधिक बढ़ गया है, तो स्मोकिंग भी इसका एक कारण है। दूसरा, फास्ट फूड, जंक फूड। फास्ट फूड में बहुत अधिक नमक, प्रिजर्वेटिव, दूसरे ऐसे सामान रहते हैं जो हमारी हड्डियों के लिए, सॉल्ट भी बहुत होता है, जो हड्डियों के हेल्थ के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक है। तो तीसरा कारण तो यही हो गया। चौथा है खराब नींद, यानी नींद को सही समय पर सही तरीके से न लेना। लोग देर से सोते हैं, देर तक सोते हैं, ये हमारी नींद के पैटर्न को खराब करके हेल्थ को भी प्रभावित कर रहा है। और इसके बाद है पांचवें नंबर पर मोटापा। मोटापा हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक है, और आर्थराइटिस का बहुत बड़ा कारण भी है। इसके बाद बोलूँगी व्यायाम का अभाव। आज लोग व्यस्त है या आलस है, आप कुछ भी कह सकते हैं, व्यायाम करने से अभी भी लोग कतराते हैं। व्यायाम हमारे शरीर के हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। जब हड्डियों का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो उनकी न्यूट्रिशन लेने की क्षमता बढ़ेगी। तो व्यायाम का अभाव भी इसका एक कारण है। दूसरा, जेनेटिक है। आर्थराइटिस जेनेटिक भी है, अगर परिवार में है तो आगे आने वाली पीढ़ी में भी आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आएगा ही आएगा। थोड़ा बहुत प्रभाव आ सकता है, लेकिन वो तंग नहीं कर सकता है, बशर्ते कि आप अपने को योगाभ्यास में योगाभ्यास को अपना लें, आहार को बदल लें, लाइफ स्टाइल को बदल लें। और इसके बाद है खराब इम्यूनिटी। अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत वीक होगी तो वो भी आर्थराइटिस का शिकार हो सकता है। मिनरल्स की कमी, आज कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सभी चीज़ों की, विटामिन डी, फास्फोरस, जो कि हड्डियों के निर्माण में सभी चीज़ सहायक है, उनकी कमी भी इसका एक कारण है कि अगर मिनरल्स कम होंगे तो हड्डियाँ कमजोर होंगी। दवाओं का साइड इफेक्ट, बहुत सी ऐसी दवाएं हैं जिनके साइड इफेक्ट हड्डियों को कमजोर करता है, और यूरिक एसिड का बढ़ना। आज आप जानते हैं, आजकल के युवा अपने मसल्स को बढ़ाने के लिए
सिंथेटिक प्रोटीन को लेते हैं, सिंथेटिक प्रोटीन या प्रोटीन को अधिक मात्रा में लेकर के आप अपने मसल्स को तो बना लेते हैं लेकिन आप अपने हड्डियों को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटीन के पाचन से जो यूरिक एसिड बढ़ता है और किडनी नहीं छान पा रही है तो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ेगा और वो दर्द का कारण होगा। ये तो उसके मुख्य मुख्य कारण हुए। और इसके जो लक्षण है, ज्वाइंट्स में अकड़न आ जाती है, ज्वाइंट्स में पेन होने लग जाता है, हड्डियाँ टूटने लग जाती है, क्योंकि अगर आपको मिनरल्स नहीं मिल रहे तो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस कम उम्र में ही हो जाता है, और हड्डियाँ कमज़ोर होंगी तो टूटेंगी भी और चलने फिरने में तकलीफ होती है। जिनको हड्डियों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो वो चलने फिरने से कतराते हैं, फिर वो एक जगह बैठे रहना उनकी आदत में शामिल हो जाता है और ये रोग को और अधिक बढ़ाता है। तो ये तो इसके लक्षण हुए कुछ और कारण हुए। अब इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, इसमें आहार की बहुत बड़ी भूमिका है। आसन में आपको बताऊंगी कि क्या करना है। आहार में आपको प्रतिदिन दूध को लेना है। दूध कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स से रिच है। मैं हल्दी डाल के पी, ये हड्डियों को मजबूत बनाएगा। और एलोवेरा की सब्जी मेथी के साथ, मैं स्वयं खाती हूँ, मुझे पसंद है उसका स्वाद। एलोवेरा की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। और एलोवेरा की सब्जी मेथी दाने के भिजो करके आप बना सकते हैं, और वो भी हफ्ते में एक दिन तो खा ही सकते हैं। रोज़ नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, रोज़ आप हरी सब्जियाँ खाएं, एक दिन एलोवेरा और मेथी की सब्जी भी खाएं। मोटे अनाज, खास करके रागी बाजरा जैसे, गेहूं चावल को मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि इन रागी और इनके अंदर कैल्शियम और मिनरल्स रिच है, ग्लूटेन फ्री है, ये आपकी हड्डियों की मजबूती में बहुत अच्छे हैं। और इसके बाद मैं बोलूँगी कि अपने आहार में तिल को शामिल करें। तिल कैल्शियम से रिच है और तिल हड्डियों की मजबूती के लिए तो वैसे भी बहुत अच्छा है। तिल के तेल की मालिश भी अच्छी है। तिल को सुबह रात में भिजो दें और सुबह चबा के खाएं, ये भी बहुत अच्छा है। तिल को किसी भी रूप में इस्तेमाल करें, तिल को प्रतिदिन इस्तेमाल करें। तो ये तो मैंने थोड़ी सी बातें बताई कि अपने आहार में हरी सब्जियों को और सीजनल फल को, ये सब अपने आहार में ज़रूर शामिल करें, ये आपकी शरीर की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपसे बोलूँगी कि थोड़े से अभ्यास भी करें जिससे कि आपके जोड़ सक्रिय रहें, उनका मेटाबॉलिज्म, जब एक्सरसाइज करेंगे तो हड्डियों का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, तो वो आपकी हड्डियों को मजबूती देगा। तो आपको क्या करना है ये मैं आपको करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बोलूँगी ताड़ासन का अभ्यास, 4 से 5 बार सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर खींच लें, तो अपने पंजों के बल खड़े हो जाए, पूरा खींचे और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। इस अभ्यास को मैं 2 बार कर रही हूँ, आप 5 से 6 बार करें। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचे पूरी ताकत से और ये ब्रीद आउट, ये पूरे शरीर में रक्त के संचार को बढ़ाता है और हड्डियों में खिंचाव देता है। अब ताड़ासन के बाद मैं आपसे बोलूंगी, क्योंकि घुटने आजकल सबके कमजोर हो रहे हैं, तो नी रोटेशन करें, क्लॉकवाइज 10 times और एंटी क्लॉकवाइज भी 10 times। नी बेंडिंग, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और इसके बाद मैं आपसे बोलूंगी हिप रोटेशन, कमर के लिए, कमर में भी लोगों को तकलीफ है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये सब 8 से 10 बार करें आप। इसके बाद मैं बोलूंगी शोल्डर रोटेशन, जो कि आप बैठ के भी कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से बैठ के कर लें, क्योंकि अगर आपको पैरों में तकलीफ है तो आप लंबे समय तक खड़े नहीं रह पाएंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको सर्वाइकल से बचाएगा, फोर्जन शोल्डर से, कंधे के दर्द से,
हृदय और आपके लंग्स को भी हेल्दी बनाएगा। तो ये आप सांस के साथ, सांस भरी सांस छोड़ी, जहां कोनी मिलेगी सांस छोड़ना है, जहां कोनी फैल रही है सांस भरना है। तो ये शोल्डर रोटेशन था। इसके बाद में आपसे थोड़े से आसन बोलूंगी कि आसन भी करिए, क्योंकि आर्थराइटिस से हार्ट का भी खतरा है, क्योंकि आर्थराइटिस आपके हृदय रोग को बढ़ाता है। रूमेटिक आर्थराइटिस जो है ये आपके हृदय की शक्ति को छीन करके हृदय को रोगी बनाता है। इसके लिए वो मुखासन खाली आपके हृदय को हेल्दी नहीं बनाएगा, ये आपके लंग्स को, शोल्डर को, सर्वाइकल में, सब में आराम देगा। ये आपकी किडनी को, प्रोस्टेट को और इवन डाइजेशन सिस्टम को, हार्निया को, सबको हेल्दी बनाता है। और यह लंबी गहरी श्वास के साथ पोस्चर मेंटेन करेंगे और 1 मिनट के बाद पोस्चर को रिलैक्स करके दूसरी तरफ से करेंगे। ये था गोमुखासन। बिल्कुल पीठ सीधी, कंधे पीछे खींचे हुए, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे और कम से कम 1 मिनट तक जरूर करें। इसके बाद में आपसे बोलूंगी भुजंगासन। भुजंगासन के लिए स्नेह पोज में आप पेट के बल आ जाए, ये भी आपकी सांस भरते हुए ऊपर, ब्रीद आउट करते हुए नीचे। इसका भी 4 से 5 बार अभ्यास करेंगे, सांस भरते हुए ब्रीद आउट। मैं 2 बार करके दिखा दी हूँ, आप इसका अधिक अभ्यास करें। ये आपकी कमर को, पीठ को, कंधों को, डाइजेशन सिस्टम को, सबको हेल्दी बनाएगा। अब मैं आपसे बोलूंगी कि आप सीधे लेट के एक अभ्यास करें, ये भी आपके हृदय को भी हेल्दी बनाएगा और कमर दर्द, गर्दन, पीठ, सबको हेल्दी बनाएगा। ये है मकरासन। मकरासन के लिए हाथ साइड में फैला लें, ब्रीद आउट। इतना रिलैक्सेशन फील होगा आपको कि आप खुद बोलेंगे कि बड़ा अच्छा लग रहा है, सारी थकान दूर हो गई, शरीर का दर्द दूर हो गया। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। और इसका 8 से 10 बार अभ्यास करेंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। 8 से 10 बार करने के बाद पैरों को फैला दें, शरीर को ढीला छोड़ दें। और इतना करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि शरीर मेरा बहुत हल्का हो गया है, दर्द में आराम मिलेगा। लेकिन अब मैं आपसे बोलूंगी कि एक चीज और करें, वो है घुटनों को टाइट लूज करना, क्योंकि आज सबसे अधिक घुटने के ही लोग घुटने के दर्द से परेशान है। और ये पहले जो बुजुर्गों को होता था, अब युवा जनरेशन यानी यंग जनरेशन इससे बहुत परेशान है घुटने के दर्द से। और अधिकतर लोग ये मिलेंगे बोलते हुए कि हमें घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों के दर्द के लिए मैं सबको बोलती हूँ, सुबह 2 कली लहसुन खाएं। लहसुन बहुत अच्छा है। जो लोग खा रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं कि हमें घुटने का दर्द ठीक हो गया। अगर सिंपल घुटने का दर्द है तो निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जो लोग बिल्कुल खा ही नहीं सकते, तो वो लोग हल्दी, मेथी, सौंफ बराबर मात्रा का पाउडर मिला के रख लें, रात में 1 कप दूध के साथ लें, 1 चम्मच। देखिए टाइट लूज कैसे करना है। इसके लिए देखिए, घुटने को टाइट किया और ढीला छोड़, टाइट किया और ढीला छोड़, बार बार टाइट ढीला। और इसका अभ्यास कम से कम 10 से 15 बार और दिन में 3-4 बार। इसके अभ्यास से आपको घुटने के दर्द में आराम मिलेगा, पैरों की मांसपेशियों को दर्द में, मतलब मांसपेशियों में हड्डियों के दर्द में भी आराम मिलेगा। तो मैंने आपको बहुत थोड़े से अभ्यास बताए कि जो आपके शरीर के हड्डियों के जोड़ों के लिए अच्छे हैं, वहाँ रक्त का संचार बढ़ाएंगे, मेटाबॉलिज्म को उसके बढ़ा करके हड्डियों को मजबूती देंगे। तो ये थोड़े से अभ्यास आप करके खुद महसूस करेंगे कि हाँ, मुझे बहुत आराम मिल रहा है। लेकिन ये जरूर है कि प्राणायाम जरूर करें। प्राणायाम में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं,
तो अनुलोम विलोम का अभ्यास जरूर करें, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता हूँ तो अनुलोम विलोम कर लें, और अगर कर सकते हैं तो मैं बोलूँगी कपालभाति भी करें। तो ये दो प्राणायाम और ये थोड़े से अभ्यास आपके हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि कपालभाति जहाँ डाइजेशन सिस्टम को हेल्दी बनाता है, जब पाचन प्रक्रिया आपकी अच्छी होगी तो शरीर में मिनरल्स पहुंचेंगे, और आसन करने से मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा हड्डियों का, तो रक्त का संचार सब जगह पहुंचेगा, हड्डियां मजबूत होंगी। तो मैंने बहुत थोड़ी सी बातें बताई है, बहुत कुछ छोड़ा है, लेकिन सभी कुछ एक दिन में सब नहीं बताया जा सकता, आप ना कर सकते हो आप लोग। मेरे बहुत सारे और भी वीडियो हैं, आप जरूर देखें, अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए इन अभ्यासों को, इन चीज़ों को अपना करके, अपने आहार में बदल करके, आहार में बदलाव लाकर अपनी हड्डियों को मजबूत बनाए, आर्थराइटिस से बचें, हार्ट की प्रॉब्लम से बचें। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।